भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत के कई अहम मुकदमों पर अपना फैसला सुनाया। वो चाहे केएस कुट्टस्वामी वाले मुकदमे, जिन्होंने भारत के हर वासी को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार दिया, जिन्होंने भारत के लगभग 100 साल पुराने कानून धारा 370 को अवैध करार करके समलैंगिक समाज को सर ऊंचा करके चलने का अधिकार दिया, ममता सरकार को कोर्ट में टीचर घोटाले में फटकार लगाई और साथ ही साथ अयोध्या मामले में जो 5 जजों की बेंच बैठी थी उसमें सीजेआई चंद्रचूड़ ने रामलला के पक्ष में जिन्होंने अपना मत दिया था। ऐसे बुद्धिजीवी और भारत न्याय प्रणाली में प्रभावशाली व्यक्तित्व को बचपन से सब धनु बुलाते, जिन्हें न्यायाधीश छोड़िए वकालत तक में रुचि नहीं थी, तेज गेंदबाज बनना चाहते थे। जी हाँ, आपने सही सुना। ऐसे ही बचपन से जुड़े रोचक किस्से हम आप तक लीगली स्पीकिंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। दरअसल उनके दोस्त अशोक जहांगीरधर, जो उनके साथ द कैथेड्रल एंड जॉन कॉर्न स्कूल में सहपाठी थे, बताते हैं कि किस तरीके से उनका नाम स्कूल में डैनी पड़ा। तो किस्सा कुछ यूं है कि जब तीसरी क्लास में टीचर ने सबसे पहले डैनी कहकर पुकारा था, क्योंकि उनका नाम धनंजय था तो उस शब्द को बोलने में टीचर को काफी कठिनाई होती थी, इसलिए उन्होंने उनको डैनी कहकर पुकारना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ भी भारत के एक वरिष्ठ जज थे। वो भारत के सबसे लंबे काल तक चलने वाले मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए उनके बचपन के मित्र ने कहा था कि चंद्रचूड़ के पिता जब बॉम्बे हाईकोर्ट के जज बने थे तो वो एक बड़े से बंगले में शिफ्ट हो गए जहां क्रिकेट के लिए बड़ी जगह। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि बचपन में वह काफी मजाकिया किस्म के इंसान रहा करते थे और उनका स्वभाव आज भी वैसा ही। अशोक जहांगीरधर ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कहा कि लोग उन्हें जय वीरों के नाम से भी पुकारते थे। उन्होंने कहा कि डैनी वह सीजीआई है जिनकी भारत को बहुत जरूरत है। तो ये था सीजीआई चंद्रचूड़ का वो पहलू जिससे आज तक हम बेखबर रहे। इसी तरह की तमाम कानून की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।